नमस्कार, हम बानी जीत कुमार और अब सब चालू कर दानी निष्ठल भोजपुर देखे। दरअसल हम बात कर बानी अरविंद अकेला कल्लू अम्रपाली दुबे के एगो ऐसा फिल्म जोना फिल्म का नाम बा शादी मुबारक। हाँ भैया, तो शादी मुबारक ये फिल्म अब सिनेमा हॉल में आवेल बाटे, तो कितना बढ़िया लगी ये फिल्म रहा लोग देख। कहीं देखिए शादी उदी के माहौल बाटे, पैटर्न एकदम से सेट बाटे, तो ये फिल्म के रोमा लोग देखम तो कितना मजा आई और कितना बढ़िया लगी ये तो वक्ते बताई, और रोमा लोग देखम तो रोमे लोग बताए, तो सब कुछ बताएं कि कब कहाँ कैसे ये फिल्मियाँ के रोमा लोग देख सकतनी, पूरा डिटेल सब में बताएं। तो चलिए का करी, चैनल बनाए बानी तो फटाक से पहले सब्सक्राइब करी, बेल आइकन का घंटी दबाई, अब बाकी संग मित्र दौड़ दिया संग बेकरा के शेयर और कर जी महाराज, कुछ तो हमारे हेल्प करी। काहे कि अब 10,000 फैमिली ओके वाला बन जा, तो कुछ रवा लोग भी हेल्प करी कि हमने के जुड़ जा और गर्दा करी जा। चलिए अब बात कर दी हम फिल्म शादी मुबारक के बारे में। देखिए शादी मुबारक अक्सर ब्याह होकला के बाद ही दिया जाता, लेकिन ये फिल्म के कहानी गजीबे इंटरेस्टिंग बटे। कहानी थोड़ा सा रोमा लोग इनके बता दिए, अगर फिल्म देखे में शायद आसानी हो जी। फिल्म के कहानी ये बटे ना कि वो लड़का बटे चाह के भी पढ़ल चाहत बटे, लेकिन चाह नहीं के पढ़ल। वो ठेठ में कहावत हुए कि चाह के मतलब चाह के चाहत के बदलल जा सकेला, कि चाह के चाहत के बदलल जा सकेला, लेकिन इसके मोहब्बत के लकीर के ना बदलल जा सकेला। ठीक ये फिल्म के साथ पूछना है बा, मतलब जितने अरविंद के लकलू पढ़े में गधा रहत बन, उतने एगो लड़की अम्रपाली दुबे पढ़े में एकदम से टैलेंट रहतरी। भैया पूरा बिहार टॉप पर रहतरी, हाँ पूरा बिहार यूपी टॉप पर रहतरी, और ये उतने गधा रहत बन। लेकिन ना कहल जला शादी ब्याह इनकर पढ़ले के वजह से कट कट जाता, हर बेरी के शादी ब्याह इनकर पढ़ले के वजह से कट जाता। और अम्रपाली दुबे पढ़ लिख के इतना ब्रिलियंट रहत बड़ी, इतना ब्रिलियंट रहत बड़ी, कुछ चाहत बड़ी कि भैया शादी हो को तो पढ़ल लिखल लड़का से सर्विसिया लेगा से, चलो सर्विसिया ना हो तो कम से कम पढ़ल लिखल ज्ञानी तो हो, कहाँ ऊँच कहाँ नीच कहाँ खाल ओकरा कुछ इकुल बुझात तो हो। अब फाइनली शादी तक केहू मने यहाँ लोग फिट हो वैसे कि गरीबी अक्सर बहुत चीज के मार देला, तो फिल्म में देखे के मिल बटे वास्ते कैसे शादी फिक्स होत बा। लेकिन शादी होकला के बाद मतलब शादी होत बा फेरा भी लाग जात बटे, और दुल्हन के जब वापस ले जाए के रहत बढ़न तब तक ये बात के वो बता देत बटे कि भैया इत लड़का बा दसवीं फेल हमार दे करे से तो हम ब्याह कर दिला जाए। बस ये पैटर्न हमार पाली दुबे सुन लत बड़ी, और सुनला के बाद कैसे जाए से ससुरा जाए से इनकार करत बड़ी, और ओकरा बाद से जौन क्लैश होता ना उ बहुते इंटरेस्टिंग बाटे बोरा भर भर के। तो कुल सब कुछ फिल्म में देखम, अभी हम कुछ ना कहम, हाँ अभी कुछ ना कहम, बाकी जब रिव्यू करम ना तो उसमें भलगी कुछ कह देम, लेकिन अभी कुछ ना कहम। तो फाइनली ए फिल्म के निर्माता बनी रोशन सिंह। रोशन सिंह ए फिल्म के बनाते वक्त बहुत बढ़िया उनकर मन में ख्याल रहे कि इतने के कंसेप्ट पर फिल्म बनैले बनी, एकदम सही बता दें मजा आ जाता भाई वाह मजा आ जाता। बाकी फिल्म का अगर देखी तो आनंद सिंह फिल्म के डायरेक्टर बनी, और उनका डायरेक्शन में DCB मय बाटे, मजा आई रहा लोग फिल्म देखो तो एंटरटेन कर सकता है फिल्म। बाकी फिल्म के कहानी स्वर्गीय श्याम देहाती जी के लिखल हुए, तो श्याम देहाती जी एगो कमाल के राइटर रहनी रहुआ, आज कोरोना काल के चलते आज ये दुनिया में नहीं की तो बहुत ही दुख बटे रहते इतने के कहानी, अभी तक कितना फिल्म बनती सर और मजा भी आती सर। बाकी फिल्म के अगर देखी तो स्क्रीन प्ले डायलॉग अरविंद तिवारी पूरा कर श्याम देहाती के ना रहला के उपलक्ष्य में। बाकी फिल्म में म्यूजिक ओम झा दिले बनी, ओम झा के म्यूजिक भी बहुत ही प्यारा बटे। ए फिल्म में देखी तो अरविंद केला कल्लू के साथ अम्रपाली दुबे, विनोद मिश्रा, समर चतुर्वेदी, विद्या सिंह, सोनू पांडे, बबलू खान जैसन बड़का बड़का स्टार कास्ट लोग ए फिल्म में भरल बालो, मजा आई देखे में। तो बाकी बता दी कि भैया 26 मई से सिनेमा हॉल में अवेलेबल भी है, तो रवा लोग देखी करी इंजॉय। बाकी हम जी सलाम।